अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल्ला, सेवनिश न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चिंतलमेट सुलेमान नगर में 19 साल मोहम्मद फैसल ने श्रीदेवी कॉलोनी के स्विमिंग पूल में तैरने जाकर फौत हो गए। नाजरीन, आखिर ये कब तक स्विमिंग पूल में मरते रहेंगे और कोच क्यों नहीं रखते ये लोग? पुलिस को इन पर लगाम लगानी चाहिए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जी साहब, बढ़ाई कब तो भी दो बजे या दो ढाई ऐसा का ना करना है। क्या है समझ में नहीं आ रहा था। इससे दूसरा बच्चा ही पहला एक हादसा हो चुका। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मैं और मेरा भाई स्विमिंग पूल को गए थे। जाने के बाद वहाँ पे आधा एक घंटा तीरे तीरने के बाद उन्हें अंदर 6 या 4 फीट में चले गया था। मैं गार्ड को आवाज़ दिया और सिक्योरिटी गार्ड को आवाज़ दिया, बोला आए खाली एक ट्यूब फेंके, दो जने डूब रहे थे हम ना। और भाई आके कार लेके आए। कार लेके आने के बाद हम वहाँ दो हॉस्पिटल फिरे, दो हॉस्पिटल भी हाथ नहीं पकड़े, फिर इधर मैचरी में लेके आया हमें हॉस्पिटल में। मेरे सवालों का नाम क्या है? Z2Z। और मेरे भाई का नाम है मोहम्मद फैसल। कहीं कहाँ से गए थे आप लोग? हाँ, गिरने गए थे हम लोग। तो गार्ड उड कुछ आपको कैसा दिख रहा? वो एक ट्यूब भी है और लापरवाही करे थोड़ी लोग, और कोई भी रहते वहाँ पे सुबह सुबह 11 बजे। आज सुलेमान नगर चिंतलमेंट में फैसल नामी बच्चा जो स्विमिंग करने के लिए A to Z स्विमिंग पूल को गया था, वहाँ पर जाकर उसको तैरना नहीं आता था, जो स्विमिंग पूल के जिम्मेदार है। इससे पहले भी एक हादसा हो चुका है, फरवरी की 22 या ऐसी तारीख, आए दिन 2 महीने को ऐसा केसेस हो रहे हैं स्विमिंग पूल के अंदर। मेरे गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से और राजनगर पुलिस से डिमांड है कि वो स्विमिंग पूल बंद हो या नहीं तो वो स्विमिंग पूल के जो भी जिम्मेदार है उनके ऊपर मर्डर केस बुक कराए उनके ऊपर, क्योंकि आए दिन इससे 2 बच्चे हो चुके हैं, 2 बच्चों के जान ले चुके हैं। तो दूसरा और ना ऐसा हादसा हो, मेरे अदबन गुजारिश है कि ये स्विमिंग पूल बंद हो जाए। और मैं जितने भी जिम्मेदार जो पुलिस वाले महकमों से एक ही गुजारिश कर रहा हूँ कि उनके सख्त से सख्त कार्रवाई करें इनके ऊपर। अभी तक कितने बच्चे हमारे सिंह से? ये दूसरा बच्चा ये हमारे बस्ती के, इससे पहले वादी में वो सुलेमान नगर का लड़का था और ये चिंतलमेट का लड़का, ये बच्चा रहता असल देखा जाए तो ये बच्चा रहता है अपने गुलबर्गा का बच्चा है, यहाँ पर काम करने के लिए आया था, उनके खाला के पास रहता था बच्चा। अभी खाला के पास से 3 दिन पहले फिर अलग से रूम लेकर जोमेटो में काम कर रहा था बच्चा लड़का। ये आज हसन नगर में एक रूम लेकर, अभी 3 दिन पहले हसन नगर में रूम लेकर वहाँ पर ठहरा था बच्चा। ये दोपहर के खाने के टाइम पे आकर ये स्विमिंग पूल के लिए उनका खलेरा भाई उन दोनों मिलकर वहाँ पर गए थे, वहाँ जाके स्विमिंग के दौरान उसकी मौत हुई है। तो वहाँ के स्विमिंग पूल में ये बच्चे बोल रहे भी थे कोई आओ कोई आओ, तो कोई बचाने वाला और वहाँ का कोई जिम्मेदार शख्स वहाँ पर बचाने के लिए नहीं आया। हर एक मामले से टीप फेंक के रस्सी फेंक के जो बच्चा साथ था उसको भी तैरना नहीं आता था, वो बच्चा जाके खींच कर लेकर आया। तो मैं सिक्योरिटी भी नहीं है वहाँ पर, कुछ भी जिम्मेदार वहाँ की लापरवाही रहना है वो भी नहीं, ट्रेनर्स भी नहीं है वहाँ पर लापरवाही। ये स्विमिंग पूल कहाँ पर है? ये स्विमिंग पूल देखो पिले नंबर 258 के अंदर, श्रीदेवी कॉलोनी के अंदर है ये। कंप्लेंट करा दिया आप? ऑलरेडी हम लोग कंप्लेंट करा दिया राजेंद्र नगर PS के अंदर। तो मैं राजेंद्र नगर PS से गुजारिश कर रहा हूँ कि स्विमिंग पूल जल्द से जल्द बंद हो जाए। आज दिन में दोपहर में श्रीदेवी कॉलोनी में स्विमिंग पूल है, उसमें मोहम्मद फैसल नामी बच्चा है, आज वो बच्चे का वो स्विमिंग पूल में इंतकाल हो चुका है। उसकी जिला सदर मोहतरम नसीब मिलत अनहाज बैरक्शर असदुद्दीन अवैसी साहब को मिलते हैं। मैं सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर यहाँ मायचेरी हॉस्पिटल को आया हूँ, और बच्चे की डेड बॉडी अभी उस्मानिया में पोस्टमार्टम के लिए लेकर जा रहे हैं मार्चरी को। आज से तकरीबन 1-2 माह पहले भी इसी तरीके से ये स्विमिंग पूल में ये हादसा हुआ था। उस टाइम पर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने साइबराबाद CP कंप्लेंट करे थे और राजेंद्र नगर पुलिस में कंप्लेंट करे थे कि ये जो स्विमिंग पूल के जिम्मेदारान लापरवाही से जो स्विमिंग पूल चला रहे हैं इनके ऊपर सख्त से सख्त केसेस लगा के सख्त से सख्त इन लोगों को सज़ा मिलना चाहिए। आज एरिया PS वालों से भी हम बात किए हैं, अभी एरिया PS के CA साहब भी मुझे बोले हैं कि रहमत साहब हम इसके ऊपर क्रिमिनल केस हम बुक करेंगे
और इमीडिएटली नॉन वेल्यूबल वारंट निकाल के उसको जेल को पहुँचेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा राजेंद्र नगर में हर मसले में सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर हम यहाँ पर आए हैं। और भी कल बच्चे का सुबह पोस्टमार्टम होगा, सदर मोहतरम की हिदायत है, मैं भी मार्च कर ही जाऊँगा कल सुबह 9:30 बजे पोस्टमार्टम कराएंगे हम। कराए बाद फिर उनकी जो बच्चे की लाश है उनके घर वालों को दी जाएगी। अब A1 टाउनशिप शमशाबाद और मोइनाबाद के बाद एक और शानदार प्रोजेक्ट लाए हैं नियर जहांगीर पीर दरगाह कोतूर, जो कि बैंगलोर हाईवे से 6 किलोमीटर, जॉनसन एंड जॉनसन और नाटको फार्मा जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जहां घर बनाकर रह सकते हैं। आबादी से लगा हुआ, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियत दस्तयाब। 4,20,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। एड्रेस पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। 9666 178 623। आप करेंगे आपको अपडेट तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चर्चा करना ना भूले।